अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है हिस्ट्री क्लास 7 और इसमें हम लेक्चर हमारा यूनिट नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास है शहाबुद्दीन शाहजहां, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 26 पे। जी तो इसमें है सबसे पहले द एक्सपेंशन वसी यानी हुक्मरानियत जो वसी की गई शाहबुद्दीन शाहजहां। इसमें सबसे पहले वो स्टार्ट में कहें शाहजहां वॉज बॉर्न एज ए प्रिंस खुर्रम ऑन 5 जनवरी 1592 एडी इन लाहौर। 5 जनवरी 1592 में शाहजहां पैदा हुए एज ए प्रिंस, ठीक है, एज ए शहजादा यानी कि प्रिंस मतलब शहजादा पैदा हुए खुर्रम के नाम से। ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ एम्परर ऑन द डेथ ऑफ जहांगीर इन 1628 AD। वो हुक्मरानियत के अंदर आए जहांगीर के मरने के बाद 1628 में। ही टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां एट दैट टाइम। उनको उस वक्त शाहजहां के नाम का टाइटल दिया गया था, लकब से बुलाया जाता था। इट मीन्स एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां मतलब एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का हुक्मरान शाहजहां का मतलब है। अब शाहजहां हैड नोटेबल यानी कि अब शाहजहां के बारे में है कि शाहजहां हैड नोटेबल सक्सेस अगेंस्ट द दक्कन स्टेट। शाहजहां को बहुत ज़्यादा मसलन कह लें फतूहत वगैरह मिली थी दक्कन स्टेट्स में। ही वॉज नॉट एज द रिलीजियसली लिबरल एज हिज फादर एंड द ग्रैंड फादर। वो अपने बाप की तरह लिबरल नहीं था बल्कि बट ही हैज़ फर्स्ट टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर फेयर, बल्कि उसका एक अपना यानी कि अपना ज़िंदगी गुजारने का एक तरीकाकार था, उसका एक अपना यकीन था जो है ना, वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता था। ही वॉज़ एन एबल रूलर, वो मसलन कह लें एक एबल रूलर था यानी कि मसलन अगर देखा जाए तो ये शाहजहां के अंदर मज़हबी टच था यानी कि मज़हब की तरफ था, जैसे कि इसका बाप और ग्रैंडफादर जो थे ना वो इतना यानी कि उनके नहीं था यानी कि असर उनका इतना असर नहीं था यानी कि मज़हब की तरफ। एक इनका आ गया शाहजहां का और इसके बाद इनका बेटा था औरंगज़ेब आलमगीर। इनके अंदर मुगलिया ख़ानदान के अंदर सबसे ज़्यादा बात यही की जाती है कि ये दो बादशाह ज़्यादातर के बारे में आता है कि जो इस्लाम के लिए ज़्यादातर इन्होंने फतूहत इस्लाम के फ़ायदा के लिए इन्होंने काम किया ज़्यादातर, तो शाहजहां भी उन्हीं में ही आते हैं। ही वॉज एबल रूलर एंड वॉज एफिशेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो एज ए हुक्मरान बड़े सलाहियत के हामिल थे और एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा अच्छे तरीके से मुनज़्ज़िम करने वाले थे सिस्टम को, निज़ाम को। अंडर हिम द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड, उनके ज़माना के अंदर एक्सपेंशन मुगलिया ख़ानदान बहुत वसी पैमाने तक जो है ना हुकूमत गई थी, इसलिए वर्ड टाइटल है ही एक्सपेंशन टाइटल यानी कि इसलिए एक्सपेंशन एक्सपैंड यानी वसी जो है ना वसी और इस हुकूमत जो थी। उसके बाद वो कहते हैं इन 1612 AD 1612 में ना ही मैरिड अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम नाम की एक हातून थी, उनके साथ शादी हुई। शाहजहां वा ओवरकम बाय हर ब्यूटी एंड करेक्टर, शाहजहां उनकी ब्यूटी से सॉरी खूबसूरती से और उनकी शख्सियत से बहुत मुतासर हुए। ही गेव हर द टाइटल ऑफ मुमताज़ महल, उन्होंने अपनी बीवी को मुमताज़ महल के नाम का टाइटल दिया जिसका मतलब था जूल ऑफ पैलेस यानी कि महल की खूबसूरती। शाहजहां हैड टू पैशन इन हिज लाइफ, शाहजहां की ज़िंदगी के दो ही मसलन शौक थे, ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड हिज़ वाइफ मुमताज़ महल, अच्छी खूबसूरत बिल्डिंगें बनवाना इमारतें बनवाना और अपनी बीवी से यानी कि मोहब्बत। ही शी अकम्पेनीड हिम ऑन द मिलिट्री एक्सपेंडेशन, उनकी बीवी ने उनको मिलिट्री यानी कि आर्मी फौज के अंदर काफ़ी हद तक मशवरे वगैरह दिए थे फौज को बेहतर करने के लिए। ऑन हर डेथ दीज टू एक्सपेंशन आर कम्बाइंड इन द बिल्डिंग ऑफ द मैग्नीफिसेंट ताजमहल इन आगरा। उनकी बीवी के इंतकाल के बाद उनका जो शौक था ना वो बिल्डिंग्स और अपनी बीवी के लिए मोहब्बत, उन्होंने एक इमारत बनवाई जिसका नाम उन्होंने ताजमहल दिया आगरा में। इट टुक 22 ईयर्स टू बिल्ड एंड 20,000 वर्कर लेबर टू क्रिएट द मास्टरपीस एज इज बिलव्ड वाइफ्स मेजोलियम्स। यानी अगर वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए ना तो उनकी जो उन्होंने ताजमहल बनवाया था ना उसको 22 साल लगे थे बनवाते हुए और 20,000 वर्कर मजदूर काम करते रहे उसको बनाने में, उनकी बीवी के लिए एक मास्टरपीस शानदार मकबरा बनाने में वक्त लग गया इतना। उसके बाद कहते हैं ना गोल्डन एज, गोल्डन एज में वो बता रहे हैं कि सुनहरा दौर कौन सा था। द रेन ऑफ शाहजहां वाज एन इरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शाहजहां का जो दौर था बड़ा ही अमन वाला और खुशहाली वाला दौर था। फॉरन विजिटर अट्रैक्ट टू द फेम ऑफ द मुगल एम्परर वर ओवर ओवर रेव बाय द मैग्निफिसेंस वेल्थ एंड ग्रैंडियर ऑफ द माइटी मुगल मेनोरक्स।
मनॉक्स, यानी कि अगर देखा जाए वो कह रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं कि शाहजहां का जो हुक्मरानी का दौर था ना वो बड़ा ही खुशहाली और अमन वाला था। दूर दराजा से जो दूसरे ममालिक के जो लोग थे वो उनकी इज्जत को, मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत को, इज्जत को, उनके नाम को देखने के लिए, उनकी शानदार हुक्मरानी को, उनकी दौलत को, उनकी मसलन कह लें ग्रैंडर, उनकी हुकूमत को देखने के लिए यानी कि काफ़ी लोग मुतासर थे तो वो आते थे। और अगर देखा जाए तो ये माइटी यानी कि बड़ा ही माइटी मतलब कि बहुत बड़ा मुगलिया मनार्क यानी कि मुगल हुक्मरानियत के नाम से मशहूर हुआ। सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द गोल्डन एज ऑफ शाहजहां रूल बाय द गिवन बिलो, यानी शाहजहां के दौर के जो सुनहरी अदवार हैं ना उसके बारे में वो कह रहे हैं हुक्मरानी के जो दौर हैं वो आगे बताए जाते हैं, वो ये हैं पॉइंट वाइज हैं उनमें बता रहे हैं। सबसे पहले देर वॉज पीस एंड ऑर्डर इन द किंगडम हुकूमत के अंदर पीस अमन रहता था। दक्कन स्टेट हैड एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ एट दिल्ली एम्पायर, जो दक्कन स्टेट थी ना उसको सॉवरेनिटी हुकूमत उनकी हुकूमत थी दिल्ली हुक्मरानी पर। द राजपूत वर स्टिल प्रूविंग फेथफुल, जो राजपूत थे वो मुगलिया ख़ानदान के साथ वो थे फेथफुल वफादार थे। देर वॉज इक्वेलिटी ऑफ जस्टिस एट ऑल, सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाता था। ही पर्सनली एडमिनिस्ट्रेटेड जस्टिस एज वाज हिज फादर कस्टम्स, ही पनिश द ओप्रेशन स्ट्रिक्टली, यानी कि वह जो लोग एक दूसरे को दुपाते थे उनको ये सजा देते थे। इन्होंने जो लॉ और आर्डर बनाए हुए थे ना वो बिल्कुल उसी तरह फॉलो करते थे जिस तरह इनके वालिद फॉलो करते थे। द प्रोविंस ब्रॉड इन द मच रेवेन्यू स्पेशली फ्राम द फर्टाइल लैंड, जो जरहे ज़मीन थी ना खेती बाड़ी के जरिए जो उसकी इनकम हासिल होती थी ना वो यानी कि कह लें कि वो काफ़ी हद तक जो है ना हासिल की जाती थी। देर वॉज ए ट्रैंक्वैलिटी इन द एग्रीकल्चर स्टार्टअप, उन्होंने उनके जो एग्रीकल्चर ज़रई निज़ाम था ना उसको ट्रैंक्वैलिटी उनको बड़ा ही वसी और बड़ा ही अरीज़ करके उनको बनाया गया, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम बनाया गया था। फॉरेन ट्रेड, दूसरे ममालिक में जो तजारत की जाती थी एक्सपोर्ट का काम जो होता था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह विद कंट्रीज़ टू यूरोप स्पेशली एंड आल्सो वेस्ट एशियन यूरोप में स्पेशली यानी कि कह लें कि कंट्रीज़ वाज डेवलप उधर यानी कि तजारत होती थी। देर वाज इमेंस प्रॉफिट फ्राम द ट्रेड एंड द मुगल ट्रेजरी बेनिफिटेड फ्राम इट, यानी कि तजारत के ज़रिए काफ़ी बैरून तजारत से उनको काफ़ी नफ़ा होता था और जिसकी वजह से उनके जो ख़जाने थे ना मुगलिया ख़ानदान के वो बढ़े रहते थे। आर्ट एंड लिटरेचर एड लॉयल पेट्रॉन्ज, यानी कि लिटरेचर को और आर्ट को लॉयल पार्ट यानी कि हकूमती लेवल पर सराहा जाता था। शाहजहां सपोर्टेड द आर्टिस्ट मैन ऑफ लेटर्स एंड स्कॉलर, शाहजहां सपोर्ट करता था लोगों को मैन ऑफ लेटर्स जो मतलब लिटरेचर वाले लोग थे, स्कॉलर मजहबी लोग थे, आर्टिस्ट जो लिखारी वगैरह सब की इज्जत करता था और उनसे उनको सपोर्ट भी करता था। शाहजहां केयर्ड ऑफ हिज पीपल, ही कैरिड आउट मैनी वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल, शाहजहां ने बहुत से इन लोगों की केयर भी की, बहुत लोगों की मसलन हैर ख्वाह भी था और उनकी काफ़ी हद तक उनके कामों को सराहता और उनको बेनिफिट भी देता था, जो कॉमन लोग थे उनको नफ़ा भी देता था। ही ऑर्डर द बिल्डिंग एंड कैनल्स ब्रिजेज रोड्स सराइज एंड अदर सच फैसिलिटीज, उन्होंने लोगों के लिए लोगों की ज़रूरत के मुताबिक इमारतें बनवाई, कैनल्स जो होती हैं मसलन कह रहे पानी के जो रिवर के साथ कनाल होते हैं वो बनाए, ब्रिजेस पुल वगैरह बनाए, रोड्स वगैरह बनाए और देखा सराय वगैरह एक झोंपड़े टाइप बनाए गए जहाँ पे लोग ठहर सकते थे। व्हेन फैमिन एंड प्लेग स्ट्रक, ही डिड अ लॉट रिलीव टू द सफरिंग टू हिज पीपल, जब कभी कहात या किसी किस्म की कोई मसलन कह लें कि कोई मसला बीमारी या कोई किसी किस्म का नुकसान होता था तो ये लोगों के लिए काफ़ी रिलाइव यानी कि लोगों के लिए काफ़ी रहनुमा बन के जो है ना लोगों की मदद करता था, सफरिंग जो लोग नुकसान उठाते थे उनकी मदद करता था। कंट्रीब्यूशन टू कल्चर एंड एग्रीकल्चर, उसने किस तरह कंट्रीब्यूशन जो कल्चर के अंदर किस तरह इनकी कंट्रीब्यूशन थी शाहजहां की। कल्चर फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां के दौर में सकाफत को बहुत अहमियत मिली। द लेवल ऑफ आर्किटेक्चर अचीवमेंट इन द पीरियड ऑफ ग्लोरियस डैट वॉज कॉल्ड द बिल्डर ऑफ द मार्वलस, उसने बिल्डिंगें वगैरह बनवाई और जिसकी वजह से उनको कह लें कि बड़ा ही यानी कि उनको कहा जाता था कि शानदार बिल्डिंगें बनवाने वाला। उसके अलावा शाहजहां पेट्रोनाइज आर्ट एंड द फाइन आर्ट, शाहजहां ने बहुत ज़्यादा लिटरेचर
लिटरेचर को और आर्ट को भी सराहा। अ हाई लेवल ऑफ परफेक्शन वॉज रीच इन द आर्ट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। अगर वो कहता है देखा जाए ना तो इनके दौर में काफ़ी हद तक आर्ट और ड्राइंग और पेंटिंग को अहमियत मिली है। उसके अलावा कहता है पोर्ट्रेट पेंटिंग, ये पोर्ट्रेट का वर्ड है, ये यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया, तो यहाँ पर आप कर लें, ठीक है, POTRAIT पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकेम अ हाईली डेवलप्ड आर्ट फ्रॉम हिज सोफिस्टिकेटेड कोर्ट। यानी उसके अपने आला कोर्ट के लिए जो है ना बड़ी पोर्ट्रेट पेंटिंग, यानी कि दीवारों पर लगी होती थी पेंटिंग, बड़ी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग उनकी दीवारों में लगी होती थी। इंक ड्राइंग्स यानी कि इंक के जरिए वार ऑफ द सुपर क्वालिटी, जो ड्राइंग के अंदर जो इंक यूज़ होती थी वो आला क्वालिटी की इंक यूज़ होती थी, वो ये बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं एक्सीलेंस वॉज अचीव बाई ऑल द ब्रांचेज ऑफ फाइन आर्ट। और देखा जाए तो उन कहते हैं कि एक्सीलेंस हर तरह से कामयाबी ही उनको मिलती थी हर शाख से फाइन आर्ट के, इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक और डांस भी इसमें शामिल है। हाई कोर्ट वॉज अडॉर्न बाय डिफरेंट आर्ट, जो इसकी जो अदालत थी या इसकी जो जगह थी ना जहाँ पर ये बैठते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मकदार में आर्टिस्ट भी इनके बैठे होते थे। और ज्वेलरी मेकिंग, पोटरी, मेटल एंड वुड वर्क आल्सो फ्लोरिश। अगर देखा जाए जेवरात बनाना, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, मेटल यानी कि कह लें दांत वगैरह बनाना, और लकड़ी का काम जो है ना बहुत ही यानी कि कह लें कि मशहूर हुआ इनके दौर में। इसके बाद वो कहते हैं शाहजहां एक्सटेंडेड हिज पैट्रोनेज टू नॉट ओनली पर्शियन बट संस्कृत एंड हिंदी राइटर्स आल्सो। इसने सिर्फ फारसी के अंदर ही नहीं काम करवाया, संस्कृत जुबान में और हिंदी जुबान में भी काफ़ी इन्होंने लिखवाया। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर हिमसेल्फ, बजाते खुद भी वो एक बड़ा ही अच्छा मफक्कर था। द फेमस लिटरेरी वर्क बादशाहनामा, उस वक्त का मशहूर जमाना काम जो था बादशाहनामा बाय अब्दुल हमीद लाहौरी एंड मुंतकिबुल लबू बाय खाफी खान वर रिटन इन हिज पीरियड। इसके ज़माने के अंदर जो है ना अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे उन्होंने बादशाहनामा लिखा, और खाफी खान ने जो था ना मुंतकिबुल लबू जो है ना वो लिखा था। ग्रेट हिंदू पोइट्स लाइक सेनापति सुंदर एंड भूषण गेंद हिज पोट्रोनेज। उसके अलावा सिर्फ ये मजहबी मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू जो राइटर थे सेनापति सुंदर और भूषण, उनको भी इनामात वगैरह मिलते थे। पेट्रोनेज बेसिकली पेट्रोन जो होता है ना ज़्यादातर ये होता है आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ना मसलन लोगों को दिया जाता है, आप समझ लें बैतुल माल में से जो माल थोड़ा सा दिया जाता है ना लोगों को, वजीफ़ा कह लें आप इसको, वजीफ़ा लगाया जाता है उसको कहते हैं। द बिल्डिंग शाहजहां हैड कंस्ट्रक्टेड विद पर्सनल अटेंशन टू डिटेल स्टिल कंसिडर मैचलेस इन देयर ग्रेस। जो बिल्डिंगें शाहजहां ने बनवा दी है ना पर्सनल अटेंशन के साथ, उनको अगर आप डिटेल में देखें तो स्टिल कंसीडर की जाती है मैचलेस के, उनके मुताबिक का कोई आज तक बिल्डिंगें नहीं बनी ना स्प्लेंडर, शानदार, एलिगेंस, खूबसूरत, ग्रेस, और उनकी जो आज भी कशिश है वो दूसरों में नहीं है। हिज रेन इन अनइक्वल्ड, उनका जो रेन है ना उनकी हुक्मरानी वो अनइक्वल्ड है फॉर द आर्किटेक्चर अचीवमेंट प्रोड्यूस्ड एंड दियर ब्यूटी एंड स्प्लेंडर। अगर देखा जाए तो उनका जो दौरे हुकूमत है समझ नहीं लगती कि उन्होंने हुकूमत एज ए लड़ाई झगड़ों के साथ मसलन जो होती हैं जंगों के साथ की है कि उन्होंने फनून, देखा जाए तो उन्होंने तकरीबन हर जगह प्रॉपर वक्त दिया, बिल्डिंगें भी बनवाई हैं इन्होंने, अपना कह लें कि जंगें भी लड़ी हैं, लिटरेचर का काम भी किया, यानी कि इन्होंने थोड़े से ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर दिया। हिज आर्किटेक्चर मार्वलस इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट, लाल किला, शालीमार गार्डन, वजीर खान मॉस, टॉम्ब ऑफ जहांगीर, सेक्शन एट द लाहौर फोर्ट एंड शाहजहां। उनके कामों के अंदर देखा जाए तो बड़ा मशहूर है, ठीक है, लाल किला है, शालीमार बाग है, वजीर खान मॉस्क है, टॉम्ब ऑफ मकबरा जहांगीर है ये, और लाहौर का किला है एंड शाहजहां मॉस्क है, शाहजहां ये बहुत मशहूर है। शाहजहां अडोन हिज मास्टरपीस टू परफॉर्म वर्सेस ऑफ द होली कुरान इन कैलीग्राफी। उन्होंने ना शाहजहां ने जो मसलन कह लें मास्टरपीस बनवाए हैं ना जो अपने मसलन महल के अंदर, उसके अंदर उन्होंने होली कुरान यानी कुरान पाक के साथ की जो आयात वगैरह थी ना वो कैलीग्राफी यानी कि हाथ से लिखवाई थी उन्होंने। तो उसके अलावा वो कह रहे हैं ही वाज आल्सो
वो कहते हैं ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन, वो पर्शियन ज़ुबान के अंदर लिखवाने में भी बहुत जो है ना दिलचस्पी रखते थे। अ फेमस पर्शियन कैलीग्राफर वाज रिक्वेस्टेड, एक स्पेशल कैलीग्राफर यानी कि लिखने वाला पर्शियन लिखने वाला कैलीग्राफर, ज़ुबान को लिखने वाला कैलीग्राफर स्पेशल, डेकोरेटेड हिज पैलेस एंड कासल, उसने पर्शियन फारसी लिखने वाले कैलीग्राफर ने ना उनके पैलेस को और उनके महल को और उनकी जो इर्द गिर्द की जो जगह थी उनको उन्होंने ना डेकोरेट किया फारसी ज़ुबान के कुछ चीज़ें लिखते हुए। शाहजहाँ लेफ्ट अ ग्रैंड लेगेसी ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएटेड विद अ हाईली रिफाइंड एस्थेटिक सेंस। शाहजहाँ अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में विरासत छोड़ी है, स्ट्रक्चर उन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ें छोड़ी हैं, लाइक हाईली रिफाइंड एस्थेटिक सेंस, जो इंसान के दिमाग को, आँखों को, दिमाग को मुतासिर कर देने वाली चीज़ें हैं, सेंस को। शाहजहाँ सेंट्रल एशियन पॉलिसी, शाहजहाँ की पॉलिसीज़ क्या थे सेंट्रल एशिया में? इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ शाहजहाँ रूल द मुगल एम्पायर ग्रूज इन द साइज एंड इन्फ्लुएंस। इनके फर्स्ट डेकेड, पहले 10 सालों में शाहजहाँ ने रूल किया ना मुगलिया खानदान में ऐसे हुक्मरान में, तो उनकी इन्फ्लुएंस साइज में इजाफा हुआ। ही वाज इनकरेज बाय हिज एंड वांटेड टू रीगेन द सेंट्रल होम टू द रीगेन टू द होम ऑफ द मुगल्स इन बलख एंड बादिखशां इन द 1940। उन्होंने मुख्तलिफ तरह की, वो कह रहे हैं कि उनके इनकरेज यानी कि उनके हौसले से उन्होंने दोबारा रीगेन किया सेंट्रल होम को, मुगलिया खानदान को दोबारा से अच्छे तरीके से यानी कि कह ले के हुक्मरानियत में ताकत में लाए, बालख और बादशाह में मार के जीत कर। द आउटब्रेक ऑफ सिविल वार, उन्होंने अपने ज़माने में तमाम खाना जंगियों को ख़त्म करवा दिया। रूलिंग हाउस ऑफ ऑक्सिस रीजन गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू मेड यूज़ इट। उन्होंने ऑक्स में एक रीजन था, वहाँ पे उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे उन्होंने उसको अपने रूल के अंदर लिया और उसको बनवाया। ही सेंट प्रिंस मुराद, उनका जो बेटा था ना मुराद, इनका जो शाहजहाँ है, उन्होंने अपने बेटे को उधर भेजा, एंड अली मरदम टू ऑक्योपाई बलख एंड बादशाह। उन्होंने अपने बेटे मुराद को बलख में भेजा और अली मरदम को उन्होंने भेजा था बादशाह में, विच दे डिड, जो उन्होंने किया। द अनकॉन्जिनल एटमॉस्फेयर ऑफ बादशाह फोर्स प्रिंस मुराद टू रिटर्न अगेंस्ट हिज फादर्स आर्डर। यानी कि वहाँ पे थोड़े हालात ख़राब होने की वजह से ना उसके वालिद ने उनको वापस बुलवा लिया था, फॉर विच ही वाज डिसग्रेस, जो उन्होंने अपने बाप के आर्डर को ना माना। द सादुल्ला खान द वज़ीर वाज सेंट टू रीगेन स्टेबिलिटी। सादुल्ला खान को वहाँ पे भेजा गया जिन्होंने वहाँ पे जाके सिस्टम को दोबारा स्टेबल किया था, मुस्तहकम किया। देन औरंगज़ेब वाज डिस्पैच द नेक्स्ट ईयर टू द लार्ज आर्मी। वहाँ पर फिर उन्होंने एक लार्ज आर्मी भेजी, दरअसल इनका ये मार्का हुआ था, उज़्बिक के लोग थे वहाँ पे आए थे। द उज़्बिक ऑर्गेनाइज नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पावर ऑफ मुगल। उज़्बिक के जो लोग थे ना, वो उज़्बिकिस्तान के जो लोग थे, वो मुगलिया खानदान के साथ उनका मार्का हुआ था। औरंगज़ेब मेड सिंसियर अटैम्प्ट बट हैड टू रिट्रीट इन फेलियर। औरंगज़ेब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन पर हमला किया था, लेकिन वो उसको शिकस्त ही हुई थी। कहता है शाहजहाँ हैज़ री ऑक्यूपाइड कंधार इन 1637 AD। शाहजहाँ ने 1637 में ना उन्होंने कंधार को ऑक्यूपाइड किया, कब्ज़ा किया। वैन हिज फोर्सेज डिफीटेड द पर्शियन फोर्सेज ऑफ द सफाविद स्टेशन सरेंडर्ड देयर एंड द गवर्नर ऑफ कंधार सरेंडर्ड हिम। उन्होंने फिर दोबारा जब वहाँ पे हमला किया था तो सफेद स्टेशन से उन्होंने अपने रूल को उधर लागू किया, और उसके बाद कंधार के जो थे ना वो लोग थे, उन्होंने वहाँ से अपने आप को सरेंडर किया। दोबारा फिर समझ लें कि आप जो है ना मसलन कह लें कि उनके कब्ज़े में आ गया था कंधार जो है ना शाहजहाँ के कब्ज़े में आ गया था। When the Mughals suffered defeat from the hand of Uzbek's Abbas II, उज़्बिक का जो अब्बास II था ना, जो था हुक्मरान था, उनसे ना मुगलिया खानदान को काफ़ी मसलन क्या शिकस्त हुई। रूलर ऑफ पर्शिया, फिर उसके बाद ये रूलर ऑफ पर्शिया सा स्टेबल अपॉर्चुनिटी टू रिगेन द कंट्रोल ऑफ कंधार। तो जब उन्होंने रूलर ऑफ ईरान के रूलर ने देखा ना दोबारा स्टेबिलिटी मिल सकती कंधार में, शाहजहाँ देन अटेम्प्टेड टू रिगेन हिज लास्ट रिगेन थ्राइस। फिर शाहजहाँ को दोबारा 2 से 3 मरतबा वहाँ पर कहते नुकसान उठाना पड़ा। ट्वाइस ही सेंट मिलिट्री एक्सपेंडेशन अंडर औरंगज़ेब इन 1649 AD एंड 1580। बोथ टाइम्स द मुगल आर्मी सफर डिफीट। इन्होंने दो
मरतबा ना कंधार को फतह करने के लिए ना वहाँ पर भेजे, लेकिन फिर भी ये इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। द थर्ड टाइम दारा शिखू द एम्परर द एल्डेस्ट सन बेग्ड हिज फादर टू अलाउ हिम टू रिट्राइव द ऑनर ऑफ द एम्परल हाउस एम्पीरियल हाउस सॉरी। वो बता रहे हैं कि उनका जो बड़ा बेटा था ना, उसका नाम था दारा शिखू, उसने अपने बाप से कह ले के मिन्नत समाजत की कि आप मुझे भेजें, मैं उधर जाता हूँ एम्पीरियल हाउस से। उसने फिर क्या किया, फार्मीबल आर्मी द हैवी आर्टिलरी वॉज ऑर्गेनाइज अंडर हिज कमांड। जो दारा शिखू था ना, उसके अंडर ये एक हाई किस्म के असले के साथ, मतलब आला किस्म के असले के साथ और आर्मी की टेक्निकल मतलब टेक्निक्स के साथ वो गया था। येट अगेन द मुगल फेस डिफीट एट द हैंड ऑफ द पर्शियन। फिर उनको तीसरी मरतबा फिर उनको जो है ना शिकस्त उठानी पड़ी थी पर्शिया में जाकर। द मुगल कंपेन इन द सेंट्रल एशिया वार स्ट्रेटेजिक फेलियर। अगर देखा जाए तो मुगल कंपेन जो था सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर उनको नुकसान उठाना पड़ा। नो टेंजिबल बेनिफिट वाज रिक्वायर्ड। उनको कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो सका। नो टेरिटरी कुड बी गेन। ना ही उनको कोई किसी किस्म की टेरिटरी जो है ना उनको गेन हो सकी थी, टेरिटरी उनको गेन हुई है। देर वाज लॉस ऑफ लाइफ। उनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का नुकसान उठाना पड़ा। एनिमल्स का कास्ट ऑफ कंपेन वाज इमेंस। और बहुत ज़्यादा जानवर और चीज़ें वगैरह का नुकसान उठाना पड़ा। मुगल एम्बिशन इज सेंट्रल एशियन रीजन्स वर थ्रेटर्ड बाय हार्श रिलाइट्स सच एज डिस्टेंट कोल्ड वेदर स्कैनर्जी रिसोर्स एंड डिटर्मिंड रेजिस्टेंस बाय द लोकल पीपल। इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, अपने जानवरों का भी, अपने पैसों का भी, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया का ज़्यादातर खिता था ना, उस खिते के अंदर कह लें कि एक तो सफ़र बहुत लंबा था, वेदर बहुत सख्त था और उनको प्रॉपर सोर्स में खाना पीना और चीज़ें वगैरह नहीं थी मिल रही, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद कहते हैं वार ऑफ सक्सेशन। फिर उनकी जो उन्होंने कामयाबी किस तरह जंगों के अंदर कामयाबी हासिल की, अब उसके बारे में बता रहे हैं। शाहजहाँ हैड फोर सन्स। शाहजहाँ के चार बेटे थे, दारा शिखू, शुजा, औरंगजेब एंड अली मुराद। ठीक है, और जो है ना, हाँ जी, मुराद जो है। तो बता रहे हैं कि दारा शिखू वाज फेवर्ड बाय शाहजहाँ एंड हिज कॉज रिसेंटमेंट अमंग द अदर थ्री यंगर्स ब्रदर। यानी कि जो शाहजहाँ था ना, उसने अपने बेटा, अपने जो बेटा था ना दारा शिखू, उसको काफ़ी हद तक फेवर दी थी, काफ़ी फेवर दी थी दूसरे तीन बेटों की नस्बत। ऑल फोर ब्रदर वार गवर्न ऑफ देयर रीजन। चारों भाई जो थे ना मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो ना गवर्नमेंट हुकूमत करते थे। उसका शाहजहाँ फेल इल विद द स्ट्रेंजरी एंड कॉन्स्टिपेशन। यानी कि वो बना रहे हैं कि उनकी जो बीमारी हुई थी, मोस्टली उनका कह लें कि मैदा की प्रॉब्लम की वजह से ना उनकी जो ना डेथ हो गई थी इन 1657 AD में। 1657 के अंदर उनको जो है ना उनकी डेथ हो गई थी कोई मैदे की बीमारी की वजह से ना, उनको कह लें कि जो ना उनको जो ना नुकसान हुआ था। ही वॉज रिसाइडिंग द फेवरेट सन residing with his favorite son who shared the views of religious tolerance. उसके बाद कहते हैं he was residing वो उनको दफनाया गया था with his favorite son shared the view religious tolerance. rumors of the death was floated. उसके बाद उनके मरने की जो बातें थी ना इर्द गिर्द फैल गई। द थ्री यंगर ब्रदर प्रिपेयर द कॉन्सेस। यानी कि अगर देखा जाए तो उनका बेटा भी मार गया था तो उनके साथ ही उनको दफनाया गया था। द थ्री यंगर ब्रदर प्रिपेयर टू कॉन्सेस द थ्रोन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। उन्होंने फिर मुख्तलिफ जगह पे जो तीन भाई थे ना, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे ना जो है ना अपना एरिया को संभालना शुरू कर दिया। शाह शुजा ने बंगाल, मुराद ने गुजरात में और औरंगज़ेब ने दक्कन में। और जो इनका बेटा था दारा शिखू, वो भी वालद के साथ इंतकाल कर गया था। तो दोनों रिसाइडिंग यानी कि अपने बेटा जो फेवरेट बेटा था ना वो उनके यानी कि उनका जो बेटा दारा शिखू था, जब वो औरंगज़ेब ये जो मर गया था क्या नाम है शाहजहाँ, जब मर गए उनके मरने के बाद उनके बेटे को भी वहाँ पे दफनाया गया था दारा शिखों को। ठीक है, तो ये तीन बेटों ने, शाह शुजा ने बंगाल, मुराद ने गुजरात और औरंगज़ेब ने दक्कन संभाल लिया था। आगे कहते हैं द वार ऑफ सक्सेशन बिगेन। द शाह शुजा बिगेन डिफीटेड इन द बनारस। यानी शाह शुजा को ना बनारस में सक्सेशन बिगेन स्टार्ट हुई। शाह शुजा ने ना पहले तो बनारस में शिकस्त हासिल की। मुराद और औरंगजेब कंबाइन फोर्सेस एंड डिफीटेड दारा शिखू एट देरमत। देरमत में उनको कह लें कि काफ़ी
जो ना इनको कंबाइंड फोर्सेस के साथ उन्होंने डिफीटेड शाहराशी को एट दमरोह। औरंगजेब वाज द विक्टर, औरंगजेब वहाँ पर फिर विक्ट्री हासिल हुई। औरंगजेब कोटेड की पोटेंशियल अलाइंसेज बिफोर दारा शिकू टू स्ट्रेंथन हिज आर्मी फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल। अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि औरंगजेब का जो कोटेड की पोटेंशियल अलाइंस, उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ काफ़ी यानी कि कह लें कि ताकत में आर्मी के साथ मुकाबला किया, तो औरंगजेब को फिर आस्ता आस्ता सक्सेस हासिल होना चाहिए होनी शुरू होगी। अगर देखा जाए तो औरंगजेब का राइट टाइम शुरू हो गया। दे मेट द बैटलमेंट ऑफ समुग्रा में एक बैटल हुई थी इन मई 1658 एडी में। दारा एज जनरल एंड हिज मैन कुड नॉट मैच औरंगजेब मिलिट्री। तो उस वक्त यानी कि उनका बताने का मकसद है कि उनका जो बड़ा भाई था ना वो दारा शिकू, ज़ाहिर है वो अपने इनके मुखालिफ हो गया था, है तो उसका औरंगजेब का इसका शाहजहां का बेटा था, ये बड़ा भाई था इनका, लेकिन वो मोस्टली इन अपने तीनों भाइयों के अपोजिट हो गया था। तो उनके अपोजिट होने की वजह से इनकी आपस में जंगें होती रहीं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर देखा जाए तो दारा शिकू जो ना अपने तीनों भाइयों का दुश्मन बन गया हुआ था, तो उसकी आस्ता आस्ता भी जब औरंगजेब कोटेड की पोटेंशियल अलायंसेज बिफोर दारा शिकू टू स्ट्रेंथन हिज आर्मी फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल। जब अगर देखा जाए औरंगजेब की और दारा शिकू की जब आपस में लड़ाई हुई थी तो वो एक बैटल जो थी ना इंपॉर्टेंस बैटल, बड़ी एक अहमियत की अमल जंग थी। दे मेट इन द बैटल ऑफ समोग्रा इन दारा एज ए जनरल एंड हिज मैन कुड नॉट मैच औरंगजेब मिलिट्री कमांड एंड एक्सपर्ट आर्मी। अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि दारा सिखों का जो जनरल था और उनके जो लोग थे ना आर्मी के जो लोग थे वो आपस में उनकी जो जंगी कमांड वगैरह थी वो औरंगजेब जितनी कह ले के टेक्निकल नहीं थी, इसलिए उनको शिकस्त हुई। ऑन 8 जून 1680 एडी औरंगजेब टू कंट्रोल ऑफ आगरा एंड शाहजहां वाज प्लेस अंडर अरेस्ट। शाहजहां औरंगजेब टुक कंट्रोल ऑफ आगरा एंड शाहजहां वाज प्लेस अंडर द अरेस्ट। अगर देखा औरंगजेब ने ना आगरा में कंट्रोल हासिल किया और शाहजहां को अरेस्ट किया गया। शुजा एंड मुराद वाज डिस्पोज ऑफ द फार्मर एग्जीक्यूटिव इन अराकान इन द प्रेजेंट डे बर्मा। ये अगर देखा जाए तो अराकान जो जगह है वो प्रेजेंट डे बर्मा काउंट की जाती है। तो ये जो अराकान सिटी जगह है ये आज प्रेजेंट बर्मा एक मुल्क है उसके अंदर पाई जाती है। तो यानी कि यहाँ पर वो यही बता रहे थे कि शाहजहां का जो जगह थी ना वो अब उनके कब्जे किसके कब्जे में आ गई थी, औरंगजेब के कब्जे में आ गई थी। उसके बाद वो बता रहे हैं एंड द लेटर बाय औरंगजेब और काफ़ी देर औरंगजेब के पास काफ़ी देर तक आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैटल दारा शिकू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। यानी कि दारा शिकू के खिलाफ यानी कि समझ ले कि इनकी आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक है लेकिन दारा शिकू वाज कैप्चर हुआ, पकड़ा गया और फिर बाद में एग्जीक्यूटेड और बाद में छोड़ दिया गया। इन 1648 AD एट दिल्ली औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर। 1668 में ना औरंगजेब ने ना अपने आप को क्राउंड एम्परर बना लिया अपने सारे खिते का। शाहजहां लाइव्ड एज ए कैप्टिव इन आगरा टिल हिज डेथ इन 1666। यानी कि 1666 के अंदर देखा जाए तो उनकी जो ना डेथ अगर देखी जाए तो शाहजहां की वो 1666 में हुई और उन्होंने 11 साल बीमारी के अंदर गुजारे थे, जो है ना मतलब 11 साल बीमारी के अंदर गुजारे थे उन्होंने। तो 74 ईयर्स की एज में उन्होंने इंतकाल किया। ही वॉज ट्रीटेड वेल ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स बाय औरंगजेब। औरंगजेब अगर देखा जाए तो औरंगजेब ने काफ़ी हद तक अपने बाप की जो है ना देखभाल की थी। अपॉन हिज डेथ ही वॉज बरीड बिसाइड मुमताज़ महल इन ताजमहल। उनको ताजमहल में जो है ना दफनाया गया था, अपनी बेगम का जो महल था। तो अगर ये देखा जाए तो इसकी जो वार ऑफ सक्सेशन में है उसमें हमें ज़्यादातर यही चीज़ पता लगती है कि चार भाई थे उनकी आपस में फिर बाद में मसलन कह लें कि बाप का जो फेवरेट था वो दारा शिकू था, तो दारा शिकू के पास उन्होंने रहना शुरू कर दिया क्योंकि 10-11 साल उन्होंने बीमारी में काटे जो थे, ये क्या नाम है इनका, शाहजहां ने 10-11 साल बीमारी में काटे। उनको मैदा की बीमारी थी तो जो है ना, तो इस वजह से उन्होंने 11 साल अपने बेटे के साथ किया। तो बेटा जो है ना अपने इनके जो दूसरे भाई थे तीन वो मुख्तलिफ यानी कि बंगाल गुजरात और दक्कन में थे, तो इस वजह से जो है ना दक्कन में होने की वजह से जो था ना इनमें आपस में ये हुआ कि ये उधर थे, तो उसकी वजह से जो है ना आपस में इनके मामलात में थोड़ी गड़बड़ होती रही, तो फिर इनकी आपस में लड़ाई हुई।
तो फिर उनके बाद एक वक्त आया कि औरंगज़ेब ने सारा मामला जो था ना खुद तय पाना शुरू कर लिया, और एक वक्त आया कि औरंगज़ेब जो है ना वहाँ का कह लें एम्परर बन गया। और 11 साल फिर उसके बाद ना औरंगज़ेब ने अपने बाप की खिदमत वगैरह की और उनके लिए जो हो सकता किया, और आखिर में एक वक्त आया कि वो शाहजहाँ इंतकाल कर गया, तो उनको फिर जो है ना मुमताज़ महल और ताजमहल यानी जहाँ पर उनकी बीवी थी दफन है ना उनके पास उनको जो है ना दफनाया गया। तो ये सारा मामला बताने का आपको मकसद सिर्फ यही है कि ये इनका दौर था मुगलिया ख़ानदान का शहाबुद्दीन शाहजहाँ का। तो ये आज का हमारा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह अभी हम इंशाल्लाह एक तो वो करेंगे क्या उसको कहते हैं इसके हम जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तो बाकी जो है उसका जो है ना जो हमारा रह जाएगा वो इंशाल्लाह करते हैं जी। अभी हम ये करने लगे हैं इसकी नोट्स में से नोट्स करने लगे हैं। तो नोट्स में हमारा यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के जो है ना जैसे कि हमने अभी टेक्स्ट पढ़ी है द फाउंडेशन, यूनिट नंबर 2 था फाउंडेशन था, चैप्टर नंबर 3 में हमने नसीरुद्दीन शाहजहाँ जो है उनके बारे में हमने उनकी टेक्स्ट पढ़ी है पहले। तो अभी हम जो है ना उसके जो हमारे रिमेनिंग उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए थे शाहबुद्दीन शाहजहाँ के, तो वो अभी हम जो है ना उसके जो है ना नोट्स में से ना क्वेश्चंस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें वो ये है व्हाट नेम वाज शाहजहाँ बॉर्न विद, वेयर व्हेन एंड वेयर ही वाज ही बॉर्न, शाहजहाँ किस नाम से पैदा हुआ था और कब और कहाँ किस जगह और कहाँ पैदा हुआ था। शाहजहाँ वाज बॉर्न एज ए प्रिंस खुरम, प्रिंस खुरम नाम था उसका, एंड 5th January 1592 इन लाहौर, 5 January 1592 में लाहौर में पैदा हुआ। तो जब उस पैदा हुआ था तो एज ए प्रिंस पैदा हुआ था, प्रिंस का नाम था खुरम नाम था इनका, बाद में नाम इनका तब्दील हुआ था। गिव शाहजहाँज वाइफ रियल नेम एंड द टाइटल ही गेव हर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइटल, शाहजहाँ की वाइफ का ओरिजिनल नेम क्या था और उसको ये टाइटल फिर क्यों दिया गया था जो दूसरे नाम है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब क्या था ठीक है जो उनको लकब दिया गया। इन 1612 के अंदर ही मैरिड अर्जुमंद बानो बेगम, उन्होंने अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की थी। शाहजहाँ वाज ओवरकम बाय हर ब्यूटी एंड करैक्टर, शाहजहाँ उनकी खूबसूरती और उनकी शख्सियत से बहुत मुतासर हुए। ही गेव हर द टाइटल ऑफ मुमताज़ महल, उन्होंने इनको लकब दे दिया मुमताज़ महल का, मुमताज़ महल मतलब ज्यूल ऑफ द पैलेस यानी कि शान। ज्यूल वैसे तो जेवरात वगैरह के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, ज्यूल यानी कह लें कि खूबसूरती, महल की खूबसूरती आप यहाँ पर समझ लें, ये नाम दिया गया था मुमताज़ महल। उसके बाद आगे आ जाता है जो है हमारे पास वो हैं क्वेश्चन नंबर 3, शाहजहाँ हैड आ ये म्यूज़ियम कंस्ट्रक्टेड फॉर हिज डिसीज्ड वाइफ, ये जो उनकी बेगम फोत हो गई थी ना उनके लिए उन्होंने एक महल जो है ना करवाया था जो है ना मतलब कंस्ट्रक्टेड यानी कि बनवाया था उन्होंने अपनी बेगम के लिए एक महल, यानी कि उन्होंने जो अपनी बेगम के लिए जो उनकी बेगम इंतकाल कर गई थी ना उनकी मोहब्बत में उन्होंने एक ना मकबरा बनाया था उसको, हाँ सॉरी म्यूज़ियम नहीं मोज़ेलियम मकबरे को कहते हैं, मकबरा उन्होंने बनवाया था। व्हाट वाज इट्स नेम, उसका नाम क्या था, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू बिल्ड एंड हाउ मैनी लेबरर वर्क ऑन इट, कितनी देर लगी थी ये मकबरा बनते और कितने मजदूरों ने ये मकबरा बनाया था, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। शाहजहाँ हैड टू पैशंस इन लाइफ, शाहजहाँ की ज़िंदगी के 2 पैशन यानी कि कह लें शौक थे, ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड हिज वाइफ मुमताज़ महल, उसको खूबसूरत इमारतों का शौक था और अपनी बीवी से मोहब्बत थी। ही अकम्पेनिड हिम सॉरी शी अकम्पेनिड हिम ऑन हिज मिलिट्री एक्सपेंडिशन, उन्होंने उनकी जो बेगम थी उन्होंने काफ़ी उनको मदद दी थी उनकी मिलिट्री एक्सपेंडिशन उसकी मिलिट्री की बेहतरी के लिए काफ़ी उन्होंने मशवरे दिए थे। ऑन हर डेथ दीज टू पैशन वार कम्बाइंड इन द बिल्डिंग ऑफ मैग्नीफिसेंट ताजमहल इन आगरा, उनकी बीवी के मरने के बाद उनका जो टोटल शौक था ना वो दोनों चीज़ों का कन्वर्ट हो गया ना बिल्डिंग के ऊपर रह गया और उन्होंने एक मैग्नीफिसेंट यानी कि शानदार किस्म की मैग्नीफिसेंट शानदार किस्म की ताजमहल जो है ना आगरा में बनवाया। इट टुक्स 22 ईयर्स, ये 22 साल लगे थे इसको बनते हुए। एंड 20,000 वर्कर्स, 20,000 मजदूरों ने काम किया था टू क्रिएट हिज मास्टरपीस, इस
मास्टरपीस को बनाने के, मास्टरपीस के जिसका कोई दूसरा सानी ना हो, मास्टरपीस बनवाया एज हिज बिलवड्स वाइफ, मौजोलियम यानी कि मकबरा बनवाया अपनी बेगम के लिए एक शानदार और आला पाया का। विच टू फेमस वर्क वर रिटन ड्यूरिंग शाहजहान टाइम, शाहजहान के टाइम में दो मशहूर कौन से काम लिखे गए थे, राइट दियर ऑथर्स ने, शाहजहान के ज़माने में दो मशहूर आथर थे जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म का काम लिखा था, उन आथर्स के नाम बताएं और उनकी बुक्स या लिटरेरी वर्क्स भी बताएं। सबसे पहले द फेमस लिटरेरी वर्क्स जो मसलन कह लें लिटरेचर का काम था ना, वो था बादशाहनामा, बादशाहनामा बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था, एंड मुंतखबुल लबो बाय खाफी खान, खाफी खान ने ना वेल रिटन इन हिज पीरियड, इसके ज़माने के अंदर खाफी खान ने ना मुंतखबुल बुल लबू जो है ना एक बुक लिखी थी, वो भी एक लिटरेरी वर्क था उनका, इनका था वर्क था खाफी खान का और बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी का। शाहजहान वाज फेमस फॉर हिज आर्किटेक्चर मार्वल्स, कहते हैं कि शाहजहान बड़ा मशहूर हुआ अपने आर्किटेक्चर यानी कि ये बिल्डिंग्स वगैरह बनवाने में। फाइंड आउट व्हाट अदर टाइटल वर गिवन हिम ड्यू टू हिज, राइट डाउन द लास्ट टू टाइटल, उनको कौन से दो और नाम टाइटल्स दिए गए थे उनके जो काम थे उनके ऊपर, द बिल्डर ऑफ द यानी किनको बोला, शाहजहान को जो दो टाइटल दिए उनको नाम दिया गया था द बिल्डर ऑफ द मार्वल्स, यानी कि मार्वल्स यानी कि एक कह लें कि हटकर यानी कि कह लें एक आउटस्टैंडिंग किस्म का काम करने वाले को ना मार्वलस कहते हैं, यानी कि मार्वलस काम किया गया, तो बिल्डर यानी कि उनको कहा गया था कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है बनवाने वाला बंदा, द इंजीनियर एम्परर यानी कि हुक्मरानों का इंजीनियर ये टाइटल दिया गया, स्टडी द पिक्चर दीज बिल्डिंग्स आर वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहान के दौर में ये बिल्डिंग्स बनी थी, तो आप इनको देखें और इनके नाम तजवीज़ इनके नाम बताइए। ये जहांगीर टॉम्ब है, ये लाहौर के अंदर है मकबरा जहांगीर, ये आ गया मास्क, ये वज़ीर हाम मास्क है लाहौर के अंदर, ये बड़ी मशहूर है लाहौर में, ये दोनों चीज़ें लाहौर में हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, ये आ गया शालीमार गार्डन, ये भी लाहौर के अंदर है शालीमार बाग जो है। उसके बाद शाहजहां मास्क, ये ठट्ठा के अंदर है सिंध में, ये ठट्ठा में जो जगह है उसका नाम है शाहजहां मास्क। शाहजहां पैट्रोनाइज्ड द आर्ट ड्यूरिंग हिज रूल, शाहजहां ने अपने दौर के अंदर जो है ना आर्ट ड्यूरिंग द पैट्रोनाइज आर्ट बनवाई थी अपने दौर में, एट लिस्ट एट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कल्चर डैट फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज रूल, उसके ज़माने के अंदर जो मसलन कह लें कि मशहूर किस्म की आर्ट और सकाफत और फन की जो थी ना आर्ट का जो हिस्सा थी उनके बारे में आप बताएं। सबसे पहले था लिटरेचर, फाइन आर्ट, ड्राइंग्स, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पोट्री, पोट्री मतलब कह लें कि बर्तन वगैरह बनवाना, ज्वेलरी जेवरात वगैरह, डांस मतलब जो नाच गाना होता है, म्यूज़िक गाना वगैरह, पेंटिंग मतलब तस्वीरें वगैरह बनाना, ड्राइंग, ड्राइंग में मुख्तलिफ राइटिंग के वर्ड को ड्राइंग करना, फाइन आर्ट में भी कोई तस्वीरें या फूल वगैरह या किसी आर्ट्स का आर्ट का करना, लिटरेचर में जिस तरह हमने बुक अभी पढ़ी है उनकी बादशाहनामा, इस तरह लिटरेरी वर्क के अंदर ये बुक्स वगैरह जो लिखी गई हैं वो बता रहे हैं ये आर्ट काम हुए थे। व्हाट राइट द नेम ऑफ शाहजहां सन, शाहजहां के बेटों के नाम बताएं, डी क्वेश्चन था, दारा शिखू शाहजहां, औरंगज़ेब और मुराद, मोस्टली हम इन तीन नामों से इतना वाकिफ़ नहीं हैं, औरंगज़ेब के नाम से हम वाकिफ़ हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, हमारा हमने जो है ना अभी हमने हमारा यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, शहाबुद्दीन शाहजहां। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।